दोस्तों नमस्कार, सेतारा न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं रायपुर मारवाड़ की सरजमी पर मौजूद हूँ। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस महा उत्सव को लेकर आज समूचा रायपुर मारवाड़ है, जो रायपुर के सदर बाजार है, इस बाजार को आप देख पा रहे होंगे। दुल्हन की तरह पूरे बाजार को सजाया गया है। मैं इस समय रायपुर के सदर बाजार में मौजूद हूँ, आप देख पा रहे होंगे। शानदार है यहाँ के नजारे है। दीपावली के मानिंद इस बाजार को सजाया गया है, पूरे बाजार को सजाया। बताना चाहूंगा कि रायपुर ग्राम पंचायत द्वारा ये भव्य रोशनी की गई है, दुल्हन की तरह इस बाजार को सजाया गया। आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे इस समय रायपुर मारवाड़ की सीधी तस्वीर आप इस समय देख पा रहे होंगे। अच्छी रोशनी की गई है, दुल्हन की तरह इसे सजाया। रायपुर के नजर श्री विजय प्रकाश शर्मा इत्यादि वार्ड पंचों के सहयोग से ये रायपुर मारवाड़ में दुल्हन की तरह इसे सजाया गया। लोगों में राम मंदिर निर्माण को लेकर अत्यंत उत्साह है, हर एक चेहरे पर खुशी के भाव है। बहुत सारे कुलदीप जी आपका नाम है, रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्या लग रहा है आपको? बस राम जी के आने की बहुत ज्यादा उत्साह है, सबको उत्साह है, बहुत हर एक चेहरे पर उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जनों के पूरे इस रायपुर को सजाया गया। बिल्कुल, अलबत्ता अपन खड़ा यही है। नहीं नहीं, पूरे रायपुर को। हाँ, एक भाई साहब, इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, थोड़ा नाम जानना चाहूंगा। महाराज जी नाम जान, भाई साहब थोड़ा बैठने दो। आसाराम जी, क्या नाम भाई साहब आपका? आसाराम गुप्ता। आसाराम जी गुप्ता, सही थे, हमारे एक पुराने गुप्ता साहब थे, पान की दुकान, उनकी पान की दुकान है, रायपुर की प्रसिद्ध पान की दुकान है, मौजूद है। भाई साहब जानना चाहूंगा, भगवान श्री राम का अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य निर्माण हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है और सहित उसको लेकर आज रायपुर को सजाया गया। रायपुर को बराबर सजाया गया और डबल नहीं ट्रिपल दिवाली दिख रही है आज। ये अच्छा दीपावली का उत्सव नजर आ रहा है। हाँ, बराबर आ रहा है, लगता है उत्साह है। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, बराबर हो रहा है। माणक चंद जी चौहान, चूंकि आपके रायपुर मारवाड़ में इस समय दीपावली की तरह यह शहर नजर आ रहा है, क्या उत्साह है, क्या उमंग है, भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? हर घर घर में उत्साह है और सब खुशी की लहर है चारों बाजू, हर तरफ उत्साह, पूरा रायपुर मारवाड़ धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल, ठेठ पूरा हर तरफ भगवान है, हरिपुर से लगा के पुराना बस स्टैंड तक। बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत द्वारा हरिपुर और गणेश मंदिर से लगा कर बस स्टैंड तक कमावे से यह रोशनी की गई। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है और हमें बड़ी खुशी है कि पूरे गांव को सजाया गया है और बड़े पूरे देश में उत्साह का माहौल है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसका हमें बड़ा खुशी हो रही है। वर्षों से इसे इंतजार था, इसका इंतजार था और 22 जनवरी को भगवान विराजित होंगे रामलला में अयोध्या में। हाँ जी, 22 जनवरी को होगा और मैं उनसे प्रेरणा मिलती है कि राम की जैसे काम किए वैसे हम सबको करना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए, इसलिए हम उनके ज्यादा थोड़ा, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए गए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सर। तो बहरहाल कैसे, और एक बुजुर्ग आदमी आए थे आज और उन्होंने आज एक बात बोली है कि मैंने ये चीज़ 80 सालों में ये चीज़ पहली बार देखी है और हमें ये बात सुन के बहुत गर्व हुआ है कि हम लोगों को भी ये बात सुनने के लिए काफ़ी उत्साह है और इसमें एक ही धर्म के लोग नहीं है, इसमें सारे धर्म के लोग शामिल हैं, होना ही चाहिए, ये एक राष्ट्रीय पर्व जैसा माहौल है। ये तो हम ये भी बात बोल रहे हैं, रायपुर के मतलब कुछ लोग नहीं है इसमें, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें ऑल लोग शामिल हैं और सभी धर्म के लोग इसमें उत्साह के साथ हमें सहयोग किया, ये हम तय दिल से धन्यवाद देने चाहते हैं उन लोगों के लिए। और ये आज रोशनी कहाँ कहाँ देख के आए आप? चूंकि मैं तो बहुत दूर से आया जैतार से, आप कहाँ कहाँ देख के हो इस रायपुर शहर में? एक्चुअल में मैं आज कुछ दिनों से रायपुर ही हूँ, तो ये रायपुर तक ही देखी है मैंने ऑनलाइन। रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, रायपुर में तो सब जगह है एक्चुअल में, गणेश दरवाजा है, मतलब सदर बाजार है, मेन बटसन से लेके मेला चौक, हरिपुर और कपूड़ी, ये सब जगह है, हर देवालय को सजाया गया, हर मंदिर को सजाया गया, ऑल मंदिर को, छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े मंदिर को लेकर।
उत्साह है? उत्साह है खूब सारा। तो बहरहाल देखिए आपने? हाँ देखिए सर, हम देखो आप देखो हम तो देख ही रहे, बताओ अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। पूरे रायपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, दीपावली का मंजर नजर आ रहा है। दीपावली से ज्यादा माहौल है सर, दीपावली में तो इतनी लाइटें नहीं मिलती, बट अभी ये लाइटें देखो आप, इतना माहौल है, हर चेहरे पर खुशी है, फुल खुशी है। खुशी क्या, फुल खुशी है। हाँ भाई साहब नाम जान? दिनेश लोढ़ा। हाँ लोढ़ा साहब आपका स्वागत है, नहीं जानते हो तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है, जैतान से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह से, महेंद्र पांडे के साथ आया हूँ मैं आपके पास। क्या नजर है, क्या लग रहा है? शानदार एकदम, क्योंकि आपने तो वर्ष बरौनू का दौर भी देखा है। बिल्कुल लंबा इंतजार है, भगवान राम का मंदिर है, श्री राम का मंदिर बनाने का, शानदार। और यहीं का रहने वाला हूँ। क्या उत्साह है, कैसा क्या उत्साह हो, क्या फीलिंग हो रही है? ये अपने देश के लिए कहना है ऐतिहासिक क्षण है ये, जो मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं है, जो काम अभी हो रहा है, जिसकी आप अपने को कई सालों से इसकी वो मतलब कल्पना थी कैसा आगे अपने देश में होगा, जो जो आज मतलब मूर्त रूप में अपने सामने है, और बहुत ही अच्छा काम है, पूरा देश मतलब राममय हो गया है। फारिक साहब जान वर्ष वरुण को भी दौर आपने देखा और अभी देख रहे हो? बिल्कुल देखा, बहुत उत्साह है। मैं बहुत बहुत ऐसा क्षण था उस समय, लेकिन भगवान राम की कृपा से ये काम हो रहा है और सब अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा भविष्य में। अपन चाहते हैं जब जब ये राम की मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो पूरा यहाँ पर राम राज्य का शासन ही होगा। फारिक साहब जानना चाहूंगा कहाँ कहाँ तक आप इस समय घूम के आए हो, कहाँ कहाँ तक आपने ये रोशनी देखी है इस रायपुर शहर में? रायपुर का तो ऐसा है कि अपने गणेश मंदिर से लगा के ये पूरा बाजार है, इसके अलावा हरिपुर पूरा पूरा हरिपुर है, वो भी रोशनीमय है, पूरा गांव मतलब रोशनीमय हो रखा है। और जैसे दीपावली हो ना, दीपावली से भी अधिक का माहौल चल रहा है। कई जगह मैंने फटाकों की दुकान भी देखी, आतिशबाजी की। बिल्कुल, अभी वो अपने यहाँ पे फटाकों दुकान लग गई है, और कल शाम को मतलब जो ही मतलब ये कार्यक्रम होगा परसों सुबह, तो हजारों की संख्या के अंदर ये रोशनी मतलब होगी। ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा ये सजावट की गई है? बिल्कुल रायपुर द्वारा की गई है, और अच्छी की है। राकेश नाम है। राकेश जी आप यहीं से ताल्लुक रखते हो रायपुर? अपने कपड़े की दुकान है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रायपुर की सर जमीन पर दीपावली का एहसास हो रहा है? जरूर, पूरा एकदम धूमधमाके से। सही तो वर्षों बाद ऐसी रौनक देख रहे हो? फर्स्ट बार ही हो रही है, मेरे बचपन से अभी तक मैं पहली बार ये देख रहा हूँ, दीपावली पे नहीं हो सकता वो अब हो रहा है। जो नजर है दीपावली को ही नहीं, वो नजर है इस राम मंदिर निर्माण को लेकर। रात को सब बाहर गाँव से सब फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, लाइटिंग देखने के लिए घूम रहे हैं, कहाँ कुछ गांव में नया हो रहा है, चलो सब बाहर आ रहे हैं। पूरे रायपुर मारवाड़ को इस तरह सजाया गया है? पूरे इंडिया को, मारवाड़ ने नहीं पूरा इंडिया सजाया गया। अपन बात है रायपुर की कर रहे हैं इस समय। रायपुर तो सजा, पूरा मारवाड़ रायपुर तहसील पूरा एकदम इस लाइट से पूरा जगमगा रहा है। हाँ भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा? सूरज। सूरज क्या उम्र है भाई साहब आपकी? 23 साल। 23 साल, साहित्य वरुण का दौर आपने नहीं देखा? हाँ, ये लाइटिंग तो पहली बार देख रहे हो आपको? पहली बार देख रहा हूँ मैं, एक नया रायपुर, नया रायपुर मारवाड़, नया रायपुर मारवाड़। पिछले 2-3 दिनों से कैमरा बस यही रोशनी है, इसे पूरे रायपुर मारवाड़ रोशनी है, 4 दिनों से यही है, और आने वाले और दिनों तक। और दिनों में मेरा तो यही कहना है 365 दिन यही रहे ऐसी हर जगह दिवाली। हाँ भाई चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐसा बरकत अली है। बरकत अली जी आपके शहर में दुल्हन की तरह इस शहर को सजा, क्या नजारा है, क्या आप भी सहभागी हो इसमें? बिल्कुल, 37 गांव में इसमें साहब। ये हुई ना कुछ बात है, एक धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर आप इसमें सम्मिलित हो। सब सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और होना भी चाहिए। हाँ, ये जब्बार भाई पत्रकार, इन्होंने मदद की है, सब ने मदद की। अरोड़ा साहब नाम जानना चाहूंगा, क्या दूध की कढ़ाई है? हाँ जी। क्या नाम आपका? छोटू लाल जी अरोड़ा। छोटू लाल जी आपका नाम है। हाँ। गाँव में सजावट अच्छी हुई है? हाँ अच्छा हुआ, मनोरंजन अच्छा है, और दिवाली की तरह सजावट हो रही है, बहुत बढ़िया है। शायद दीपावली पर भी ऐसी रौनक नहीं होती है? नहीं हुई साहब, रौनक बहुत बढ़िया हुई है, आनंद आ रहा है साहब। तो सदर बाजार है, इस बाजार को दुल्हन की तरह सजाए, उत्साह उत्साह है, बहुत लोढ़ा साहब को भी बहुत उत्साह है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारे उत्साह है, बहुत सारी तस्वीरें है, आप इस समय सीधी तस्वीरें है जो रायपुर मारवाड़ से आप देख पा रहेंगे। ग्राम पंचायत रायपुर मारवाड़ द्वारा इस सदर बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताना चाहूंगा आने वाली 22 जनवरी को
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस रायपुर मारवाड़ में उत्साह का माहौल है। धार्मिक रंग में यह पूरा शहर रंगा हुआ है। ग्राम पंचायत रायपुर मारवाड़ द्वारा आकर्षक रोशनी की गई है। बहन जी है, नाम जान दुर्गा जी आपका नाम है, गाँव कौन सा है? रायपुर। रायपुर आपका गांव है। रोशनी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है सर। आपको पता है रोशनी क्यों की गई? अयोध्या श्री राम आने की खुशी में, अयोध्या में, अयोध्या में भगवान श्री राम आने की यह खुशी है। हाँ सर। और ये खुशी में आप भी शामिल हो, हम भी शामिल, बहुत सारे पूरे गांव वाले, पूरा रायपुर शामिल है, पूरा रायपुर शामिल है सर। ये सब नाम जानना चाहूंगा आपका। कमलेश कुमावत। क्या नाम है? कमलेश कुमावत। कमलेश जी को जानना चाहूंगा, रायपुर मारवाड़ में ये रोशनी क्यों गई, पता है आपको? रामलला के लिए। रामलला खुशी है? फुल खुशी है। पहली बार ही देखी आपने कि दीपावली पर देखी? मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ अपने गांव। इस तरह की रोशनी पहली बार? इस तरह की अलबत्त रोशनी तो दीपावली पर भी की जाती है, लेकिन अपने अपने प्रतिष्ठान पे की जाती है। सामूहिक रूप से रोशनी, सामूहिक रूप से रोशनी है, पूरे गाँव में पूरे सामूहिक रूप से रोशनी है। हर चेहरे पर खुशी है, हर चेहरे पर खुशी है। आपका नाम जानना चाहूंगा बेटा। जी मेरा नाम जगदीश कुमावत है। कहाँ तक पढ़ लिखो बेटा? जी मैं अभी 10th पास हूँ, 11th में मेरी स्टडी जा रही है। अच्छा अच्छा, अच्छी पढ़ाई करना और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। हाँ, आपका नाम जानना चाहूंगा। सचिन भट्ट। सचिन जी भट्ट, कहाँ तक पढ़े लिखो भट्ट साहब? दसवीं। दसवीं। ऐसे रायपुर शहर को सजाया गया, आपको पता क्यों सजाया? वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के। कितनी तारीख को है? 22 तारीख को। 22 जनवरी को है? 22 जनवरी को ही है। पूरे रायपुर को सजाया? हाँ, पूरा रायपुर को। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। भागीरथ माली सर। भागीरथ जी माली रायपुर के हो? बिल्कुल रायपुर के सर। पता है रायपुर को क्यों सजाया गया? रायपुर को इसलिए सजाया सर, 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो पूरे रायपुर में इतनी खुशी का माहौल है कि आज तक भी इतनी खुशी का माहौल कभी नहीं बना। और जैसा दीपावली पे सजावट होती है उससे 10 गुना सजावट पूरे रायपुर में की गई है। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल और ऐतिहासिक क्षण ये हमारे को देखने को मिल रहा है। और मैंने मेरी जिंदगी में कई दीपावली देखी, लेकिन जो ऐसी दीपावली मैंने ये इस बार देखी है, मैं ये तब उम्र नहीं भूल सकता ऐसी दीपावली को मैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराज है सिंह। बुधराज जी, पता है इस रायपुर मारवाड़ में रोशनी की गई है? हाँ सर, नई दिवाली, डबल दिवाली आ रही है। अच्छा, डबल दिवाली? डबल दिवाली मना रहे हैं। रोशनी देखी कहाँ कहाँ तक की? पूरे मार्केट में है, हनुमान जी के मंदिर से लगाकर, गणेश जी के मंदिर से लगा, हाँ गजानन मंदिर से लगाकर बस स्टैंड तक। बस स्टैंड तक। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहनलाल है सर। मोहनलाल जी, कहाँ के हो आप? रायपुर मारवाड़। रायपुर मारवाड़ के। रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, अच्छी आकर्षक रोशनी की गई है। लग रहा है दीपावली है रायपुर में, डबल दीपावली है। और इस बार अलग ही माहौल है, रामलला की मूर्ति की स्थापना हुए, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हाँ बहन, आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ, नाम जानना चाहूंगा। अनु कुमावत। अनु कुमावत आपका नाम है, कहाँ तक पढ़े लिखो बेटा? एमए। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों की गई है ये रोशनी, पता है आपको? हाँ, रामलला की स्थापना के लिए। 22 तारीख को कार्यक्रम भी आपको देखना है उस दिन। हाँ जरूर। और ये ग्राम पंचायत मुख्यालय, ग्राम पंचायत भवन है, बताना चाहूंगा प्रेम देवी माली एवं विजय प्रकाश शर्मा की अगुवाई में इस रायपुर मारवाड़ के जो सदर बाजार, इस सदर बाजार को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। हम धीरे धीरे इस रायपुर के सदर बाजार के मुख्य बाजार में पहुंच पा रहे हैं। तो बहरहाल आप सीधी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे होंगे, मैं रायपुर के सदर बाजार में मौजूद हूँ। तो राहुल जी, आपका नाम है, रायपुर को सजाया गया, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रायपुर को सजाया गया है। क्यों सजाया ये पता है? अयोध्या नगरी राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सजाया गया है। उत्साह है बहुत ज्यादा आपको है? पूरे शहर को? पूरे शहर नहीं, पूरे भारत देश को उत्साह है, पूरे देश को उत्साह है। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूंगा। कुंदन शर्मा। कुंदन जी शर्मा आपका नाम है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, दीपावली आ गई है। दीपावली आ गई है, हम खुश है, हम गणेश जी के पुजारी भी है। अच्छा, गणेश जी के प्राचीन जो गणेश मंदिर, उनके आप मुख्य पुजारी हो या परिजन हो उनके? पुजारी है मुख्य। मंदिर को भी सजाया गया? सजाया गया है, वहीं भी कार्यक्रम होगा। क्या कार्यक्रम है वहाँ मंदिर में? पूजा आराधना की जाएगी 12:15 बजे और भगवान को भोग लगाया जाएगा 22 जनवरी को। 22 जनवरी को 12:15 बजे। कल संपत सोडा। संपत जी सोडा आपका नाम, गाँव? रायपुर।
रायपुर रोशनी देखी? बिल्कुल भगवा मैं रायपुर पूरा हिंदुस्तान की तरह, पूरा रायपुर भगवा मैं हो गया, बता रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की तर्ज पर ये रायपुर भी भगवा मैं हो पा रहा है। आपका मनीष बालड़िया। मनीष जी बालड़िया आपका नाम है, रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्या लग रहा है आपको? हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और बहुत जोर शोर का स्वागत चल रहा है अयोध्या में, और पूरा देश इसी तरह सजा हुआ है, बिल्कुल राम में हुआ हुआ है और बहुत आनंद है। पूरा देश राम में हो रहा है और उसी कड़ी में रायपुर मारवाड़ भी राम में है, पूरा भगवा में बना हुआ है। बिल्कुल पूरा भगवा में बना हुआ है और सबकी इच्छा थी इस रायपुर को ऐसे सजाने की दुल्हन की तरह, और बहुत आनंद। शायद ऐसी सजावट तो दीपावली पर भी नहीं होती? नहीं नहीं सर, ऐसी सजावट दीपावली पर नहीं हुई है रायपुर में, यह पहली बार हुआ है रामलला के स्वागत के लिए। रायपुर के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है, बिजली आने के बाद पहली बार है कि भव्य रोशनी की गई। अलबत्ता रोशनी होती है दीपावली पे होती है, लेकिन वो अलग अलग प्रतिष्ठानों पर, यह सामूहिक रूप से पहली बार है। जी जी सर, ये सामूहिक रूप से पहली बार है रायपुर के इतिहास में। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बंसाली है। विकास जी बंसाली आपका नाम है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं अभी बीटेक चल रही है, मेरा फाइनल बीटेक चल रही है। लग रहा अच्छा रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजेगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रफुल्लित है, ये सब कुछ जगमगाट देख के। शायद दीपावली पर ऐसी रोशनी, दीपावली पे ऐसी रोशनी देखने को मिल रही है। देखो योगी के राज में आजकल कितना, 500 साल का जो हमारा इतना वो था लंबा इंतजार, इंतजार वो आज हमारा पूरा होने जा रहा है 22 जनवरी को पूरा होगा। तो दवा व्यवसायी है, इनसे भी हम बात करने का। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश सोलंकी। ओम प्रकाश जी सोलंकी आपका नाम है, क्या लग रहा है इस रायपुर शहर को दुल्हन की तरह से, उत्साह है? उत्साह जबरदस्त है साहब, बड़े बुजुर्गों से भी कहते हैं कि हमने कभी इतिहास में ऐसा कभी भगवामय नहीं हुआ, और इतने चाक चौबन से, इतना दीपावली से भी कहीं अधिक अपन कह सकते हैं कि भगवामय रायपुर हो रखा है। और दीपोत्सव तो खैर हो गई 22 तारीख को, श्री राम के जन्म भूमि के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे, उसी दर्ज के ऊपर रायपुर को एक तरह से अयोध्या नगरी कह सकते हैं अपन, उसी का मामला पूरा मतलब भगवामय है। ओम प्रकाश जी जानना चाहूंगा 22 जनवरी को आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम क्या है? व्यक्तिगत कार्यक्रम तो जैसा कि अपन को बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है, जिस तरह से श्री राम वहाँ पे महोत्सव मनाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी तर्ज पे अपन हर गांव में मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव घर घर में मनाने का प्रोग्राम हर गाय, जैसा कि अभी इसमें तस्वीर वालों को मैंने देखा कि छोटी छोटी जो मूर्तियाँ है श्री राम की है घर पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उस समय प्राण ऐसा लग रहा है हर घर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जाएगा। कमोवेश ये हालात पूरे देश में है? हाँ बिल्कुल पूरे देश में होगा, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने का है, मतलब उत्साह ऐसा जबरदस्त है कि 500 वर्षों के बाद में ये इंतजार, कहीं पीढ़ियाँ खप गई इसके अंदर, तो वो मतलब अपन इस पीढ़ी में रहने वाले लोगों को, हमारे हम उम्र के लोगों को एक बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि ये हम भाग्यशाली लोग हैं कि आज ये दिन देख रहे हैं, स्वर्णिम दिन देख पा रहे हैं। बिल्कुल, अलबत्ता अपन से पहले बहुत सारी पीढ़ी है जो इंतजार में चली गई। बिल्कुल, आईबी खान मतलब मर गए होंगे, कभी कई पीढ़ियां मर खप गई होगी, इसके अंदर ये उत्सव अपन को मनाने के लिए मिला है। हम उम्र के लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्गों भी सुना है इस तरह से कभी माहौल हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। रायपुर मारवाड़ का ये गणेश दरवाजा है, ऐतिहासिक गणेश दरवाजा है, इस दरवाजे से ही इस मुख्य बाजार की शुरुआत होती है। अलबत्ता पीछे जो था वो सब्जी मंडी इलाका, स्कूल इलाका। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है साहब। नीचे बैठिए थोड़ा, मुकेश जी नीचे बैठिए। क्या लग रहा है रायपुर मारवाड़ दुल्हन की तरह सज रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है? बहुत खुशी है। खुशी तो आपके चेहरे से लग रही है, वाकई में खुशी? खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। डबल दिवाली? बिल्कुल है साहब। शायद दीपावली को भी ये मंजर दिखाई नहीं देता, अलबत्ता इस समय दिखा जा रहा है। दीपावली में भी ऐसी लाइटिंग नहीं हुई जैसी आज हुई है। ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा ये लाइटिंग की गई है? बिल्कुल हुई है। तो क्या नाम? नारायण सोनी। बद्री नारायण जी सोनी आपका नाम है, क्या व्यवसाय है? सराफा व्यवसाय? सराफा व्यवसाय। क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है, दीपावली की तरह हो रहा है, नई दीपावली शुरू हुई, एक और डबल दीपावली। डबल दीपावली 22 जनवरी को लेकर क्या कार्यक्रम है आपका व्यक्तिगत? कार्यक्रम हमारे को मंदिर जाके वहाँ पे पूजा अर्चना करनी है, घर पे दीपक जलाने हैं, सब घर पे भी श्रृंगार करना है, यही करना है, नई दीपावली की तरह करना। रायपुर ग्राम पंचायत द्वारा पूरे शहर को सजाया गया? पूरा शहर को सजाया गया है, पूरे शहर में लाइटें लगी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है पंचायत की तरफ से,
बहुत अच्छी व्यवस्था की। जो रोशनी दीपावली को नहीं होती उससे ज्यादा रोशनी, उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, आज पहले बार देखने को मिली हमारी लाइफ में। सर अब मार्केट में खड़ा हूँ, गणेश दरवाजा रायपुर मारवाड़, क्या लग रहा है इस रोशनी को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कब देखी थी ऐसी रोशनी? कभी नहीं देखी। पहली बार देख रहे हो? फर्स्ट बार। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है? बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है इस रायपुर से? बहुत बढ़िया लग रहा है, वास्तव में जिंदगी में लाइफ में पहली बार देखा हमने ये नजारा। ये अद्भुत नजारे, हाँ बहुत बढ़िया नजारा लग रहा है। जानना चाहूंगा केशव राम चौधरी है। केशव राम जी कहाँ के हो? रायपुर के हैं, दूध का धंधा करते हैं। कहाँ कहाँ तक घूम के आए अभी? पूरे रायपुर में जितने घर है वो मतलब एक बजार से भी ज्यादा घरों में खुशी है। है खुशी? खुशी है, क्योंकि आप तो डोर टू डोर जाते हो। दीपावली में मेरे 55 साल का हो गया, दीपावली में ऐसी रोशनी नहीं देखी कभी। वो रोशनी इस समय रायपुर में ज्यादा है, उससे उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा उत्सव है लोगों में। कोई खीरे बना रहा है, कोई मावा बना रहा है, कोई दूध की बिक्री भी ज्यादा हो गई हो रही है। दूध की बिक्री बढ़ रहा है, हाँ। ये तो कहीं नहीं है, देखो गलियों में जाओ, गाँव में जाओ, घर घर में सजावट है। सब जो दीपावली की जो लटूड़ियां थी वापस लगा दी सब। अच्छा पुरानी भी लगा दी? आ, नहीं लगा दी, हाँ नहीं लगा दी, पुरानी लगा दी। एक दूध वाला और एक अखबार वाले एक ऐसे है जो हर घर में एंट्री, हर घर में एंट्री रहती है, हर घर में रहते हैं। और वो जो एंट्री उसका प्रतिफल आप बता रहे हो, हर घर में खुशी, हर घर में खुशी है। कोई भी ऐसा नहीं, अमीर गरीब सब खुशी, मोमडन वगैरह सब घरों में। अच्छा मोमडनों में भी खुशी है? बहुत अच्छी बात है, अच्छी में चले जाओ आप, लटूड़ियां लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ पर भी लगी हुई है, बहुत अच्छी बात। एक ये मिसाल है रायपुर अपने आप में, एक मिसाल है, मिसाल है। मैंने तो अभी 55 साल की उम्र में ऐसी सजावट नहीं देखी कभी, जो इस बार है, इस बार है, अभी है, वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, सही है। मैं जानना चाहूंगा रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाएगा, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा है माहौल। शाम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सब, बहुत ही सुंदर वातावरण है। और सुने, हाँ भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी सोनी जी, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसी रोशनी कभी और देखी आपने? नहीं, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखी है। दीपावली को भी ऐसी रोशनी नहीं होती जो इस समय, जिस तरह से बाजार सजे है, वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान राम बिल्कुल अवतार ले रहे हैं। लोगों में उत्साह है, चूंकि दुकानदार हो आप, ग्राहक तो आते होंगे, उनमें भी तो बातचीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका? नारायण लाल माली। नारायण लाल जी माली, आपका नाम है, रायपुर मारवाड़ दुल्हन की तरह सज रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत शानदार और इतना खुशी का माहौल है कि कुछ जाहिर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते आपको। हमारे लिए ये अभी नया दीपावली का त्यौहार, अभी समझ लो डबल दीपावली, मतलब एक पे डबल छक्का लग गया आपको, समझ लो। माता जी नाम जान ली तुम? नाम कमला। कमला भाई जी आप नाम है, दीपावली लाग रही है आपने रायपुर में? दीपावली बहुत अच्छी लिखी है। क्यों है आप पतो है? पतो राम जी आ रहे नहीं? राम जी 22 तारीख ने आ रहा है। 22 तारीख ने आया तो मैं तो सजा जो घर ने मकान माते लाइट लगाई दिया खूब, माँ दिवाली मनाई हो। पूरा घर का कलर भी अभी हमने किया। अच्छा कलर भी आपने अब करवाया? अभी करवाया, और नए बर्तन भी लिए हैं, और नई भट्टी भी ली है, और नया समझ लो शुभ आरम्भ करेंगे, नया मुहूर्त भी करेंगे, नया आगाज। हाँ 22 तारीख को सुबह 6 बजे का मुहूर्त भी हमारे है, घर में हवन भी करवाएंगे, लक्ष्मी जी की पूजा भी होगी, राम जी की भी पूजा होगी। माता जी नाम एक पूछनी चाहूँ, कहीं विशेष बना उन दिन मैं आऊँ चाहूँ 22 तारीख ने? मैं लापसी बनावा सा। लापसी बनी? हाँ, कड़ाई ली नवी। अच्छा लापसी बात कड़ाई भी ली? कड़ाई भी आ पड़ी, सिको वो पड़ी हो, मकान पूरा कलर कराया, हाँ रोशनी लगाया मकान माते, और नई बट्टी भी है। नई बट्टी लिया देखो। हाँ हाँ आप झूठ नहीं बोलियो आप, हाँ नई बट्टी है, इनमें तो लाभ से बनावा। और बजरंग बली के लिए रंगी हुई है भवानी ज्वेलर्स करके एक प्रतिष्ठान है, इस प्रतिष्ठान में भी हम जाने का प्रयास करेंगे, जानते हैं कौन है क्या है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस समय भगवान ज्वेलरी की दुकान पर मौजूद, रायपुर का एक परिचित नाम है, चिर परिचित नाम है, जहाँ सोने आभूषणों की ये दुकान है, सरापा है इनका नाम। हाँ भाई साहब नाम जानना चाहूँगा। शेषमल सोनी। शेषमल जी सोनी, ये प्रतिष्ठान अपना ही है? Okay. जिसे मैं शोरूम भी कह सकता हूँ? नहीं नहीं रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाया गया, आपने देखा? देखा सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। लगा अच्छा? बहुत आपके भाव से लग रहा है, खुशी है? नहीं खुशी है सर, इसलिए तो दुकान हो गया सब, राम जी की कृपा लगता है। रायपुर में डबल दीपावली? रायपुर में नहीं पूरे देश में? जरूर सर, बहुत है, पूरे देश में मना रहे हैं डबल दीपावली। जानना चाहूंगा 22 तारीख को आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम क्या है उस दिन? सर व्यक्तिगत हमारे समाज का भी है, मंदिर वगैरह में पूजा होगी, और घर पे भी पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों समय
प्रसाद वगैरह बना के भोग वगैरह लगा के मंदिर वगैरह घर का भी सजा के बहुत अच्छा बटर है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। अंकित सोनी नाम है। अंकित जी सोनी आपका नाम, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं 12th चल रही है मेरी। आपको पता है क्यों सजावट की गई है रायपुर में? हाँ, क्योंकि रामलला राम जी का वहाँ पर अयोध्या में है 22 जनवरी को। विशेष कार्यक्रम है जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, देश भर के विभिन्न धर्माचार्य उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सहित दिग्गज लोग उसमें भाग लेंगे और उस ऐतिहासिक दिन के हम गवाह बनने जा रहे हैं। आप देख पाएंगे भगवान श्री राम की ये मूर्ति है, रामलला है पूरा जो प्रस्तावित मंदिर है, ये मंदिर के नजर आप इस शोरूम में देख पाएंगे। रायपुर मारवाड़ का ये महावीर भवानी ज्वेलर्स करके ये शोरूम है, विभिन्न आभूषण है यहाँ जो ठोक बजा के दिए जाते हैं, जिसे कह सकता हूँ ठोक बजा के दिए जाते हैं। और दीपावली और धनतेरस के अलावा भी इस शोरूम में बहुत भीड़ भाड़ रहती, ऐसा इनका वो पैठ है जिसे कह सकते हैं कि साख है, शायद यही कारण है। जरूर सर, यही है सर। तो बहरहाल मैं इस समय भवानी ज्वेलर्स रायपुर मारवाड़ में हूँ। आप भगवान श्री राम का जो तस्वीर देख रहे हो, ये ऐतिहासिक मंदिर है, उसे इस सजाया गया है या लगाया गया ना? जरूर सर। तो भाई साहब नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजेंद्र देवासी है। राजेंद्र जी देवासी कहाँ के हो? मैं चाउंडिया खुर्द का हूँ। चाउंडिया खुर्द के हो, आपने बाजार की रोशनी देखी? बहुत जोरदार है। क्यों की गई है पता आपको? हाँ, राम अयोध्या की प्रतिष्ठा के लिए। और ये लाइटिंग देखने के लिए आप चाउंडिया खुर्द से यहाँ आए हो? मैं वैसे रहता हूँ, यहाँ रायपुर ही हूँ, इस वजह से रायपुर का ये अच्छा लगा। बहुत जोरदार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा है, नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मेवाड़ा। गोपाल जी मेवाड़ा, सही भूपेंद्र जी मेवाड़ा कुछ लगते हैं? वो मेरे भाई है साहब। लगता चेहरा बहुत पुराना चेहरा है। आप भी हमारे भाई है? हाँ, हम तो भाई भाई है। क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है पूरा रायपुर में, पूरे रायपुर गांव में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में क्या, विदेशों तक किसकी पहचान है, लहर हो रही है, उत्साह का माहौल है, दुल्हन की तरह सजा है पूरा रायपुर। दीपावली के दिन भी ऐसी आज तक के इतिहास में बहुत बढ़िया सजावट, इतनी सजावट पहले कभी नहीं रायपुर के इतिहास में, पहली बार हुई है। पहली बार हुई है साहब, इतनी बढ़िया सजावट पहली बार हुई। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रामलाल है जी। रामलाल जी रायपुर के हो? झूठा के हूँ। रोशनी देखी? बहुत अच्छी लग रही अच्छी है राम मंदिर के हिसाब से, 22 तारीख के उससे से बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पहली बार देखा है ऐसा इतिहास के। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू भाई आपका नाम है, बाजार को सजाया अच्छा लग रहा है? बाजार दुल्हन की तरह सजाया और ये रायपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जैसे ये मार्केट सजा है, और हम आशा करते हैं कि आने वाली दिवाली पे और अगली 22 जनवरी पे ऐसी मार्केट सजे और इसी लाइटिंग के हिसाब से लोगों में हर्षोल्लास है। और जैसे कि लालचंद जी आपका नाम है, रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाया, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, जैसे कोई राम राज्य आ गए हो, और पूरा गांव बहुत खुश है आज, सबके मन में खुशी की लहर है, हर चेहरे पर मुस्कान, चेहरे के मुस्कान है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम किशोर कुमार कृष्णानी है। आज राम की लहर हुई, राम जी अयोध्या में विराज रहे हैं, यहाँ सबको खुशी की लहर है और हर चेहरे पर मुस्कान है, हर चेहरे पर, हर गांव में, हर बंधु के ऊपर, हर मंदिर में, हर मस्जिद में खुशी, हर इंसान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको बहुत खुशी है राम जी की। राम भाई साहब ये प्रेम और सद्भाव इस रायपुर मारवाड़ में बहुत देखने को मिल रहा है, ऐसा रायपुर में सबसे अच्छा माहौल रायपुर में ही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, आज तक कभी लड़े दंगे नहीं हुए, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं, उनका त्यौहार होता है हम भी खुशी मनाते हैं, हमारे त्यौहार में वो भी सब मिलके खुशी से मनाते हैं। क्योंकि मैंने कई दुकान, कई मकान देखे जिनके घरों पर भी लाइटें थी। हाँ तो होगी क्यों नहीं, हम भी उनका त्यौहार होता है तो हम भी लाइटें लगाते हैं और खुशी मनाते हैं, तो वो भी मनाएंगे खुशी। राम जी का मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा होने वाली है कल, और वापस राममय हो रहा है। कुछ भाई साहब है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, बहुत उत्साहित है ये यहाँ के रायपुर के युवा, बहुत उत्साहित है, हम इनसे भी मिलना चाहेंगे। कढ़ाई की दुकान है, दूध इस समय तैयार हो रहा है, और इस दूध पे भी आप खास बात आप देख पाओगे, राम लिखा हुआ है, आप इस समय सीधी तस्वीर आप देख पाओगे, ये राम लिखा हुआ है, इसे दूध की कढ़ाई में भी राम लिखा। हाँ भाई साहब आपका स्वागत है, बहुत उत्साह है, बहुत जय श्री राम, बहुत जय श्री राम, बहुत शानदार उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में प्रभु श्री राम विराज रहे हैं इतने वर्षों से, कम से कम 500-600 वर्षों से, देखो राम विराज रहे तो हमें खुशी तो है ही है, दुगना दिवाली से बढ़ के खुशी है, और शायद उसी खुशी में आपने कैसे से राम का नाम लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम लिखा बिल्कुल।
हाँ भाई साहब चाहूंगा, क्या नाम आपका? मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी, आपका नाम है, रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाया, लग रहा है अच्छा लग रहा है? बहुत शानदार लग रहा है, बहुत शानदार। ग्राम पंचायत रायपुर मारवाड़ द्वारा ये रोशनी की गई है। हाँ जी। हाँ माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मथुरा देवी। थोड़ा तेज बोलो। मथुरा देवी। मथुरा देवी जी, आपका नाम रायपुर के हो, कैसा है इस समय बाजार? बहुत अच्छा है, एकदम टॉप। अच्छा लग रहा है? अच्छा। पूरा बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, हर दुकान पर रोशनी है। ये तो सर देखो, मोदी साहब की मेहरबानी है, इसलिए ये सजा है, और इसीलिए वो राम मंदिर पूरा मोदी साहब की वजह से हुआ है। वो सपना था, वो साकार हो रहा है। साकार हो गया है, बाकी नहीं होता। मोदी जी नहीं होता तो नहीं होता। मोदी जी नहीं होते तो नहीं होता। पता आपको? पता है। पढ़ के हो आप? मैं रायपुर का हूं। रायपुर, रायपुर को सजाया गया, आपने देखी रोशनी? बिल्कुल, यहाँ पे अयोध्या बनाया गया। अयोध्या नगरी की तरह लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है हम अयोध्या में हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या ही लग रहा है। दीपावली, लोग बता रहे हैं कि दीपावली से भी ज्यादा रोशनी इस बार की गई है रायपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल, आपने वो दौर नहीं देखा, हमने वो दौर भी देखा। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूंगा। विनोद पालडिया। विनोद जी पालडिया, आपका नाम कहाँ तक पढ़े भाई साहब? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। पूरे रायपुर को सजाया गया, अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, शानदार। बहुत ही शानदार। लोगों में खुशी है? बहुत उत्साह है। उत्साह है बहुत ज्यादा। उत्साह जोरदार है, लोगों में शांति भी है, प्रेम के भाव भी है, और भगवान के प्रति लोग समर्पित भी है। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूंगा। जवाहरलाल जी तातेर। जवाहरलाल जी तातेर की ये दुकान है रायपुर मारवाड़ में, रोशनी की गई, क्या लग रहा है आपको? शानदार लग रहा है, अच्छा नजर है, जोरदार। इतिहास पहली बार हुआ इतिहास में। तो दीपावली में ऐसा नहीं हुआ, पूरे इतिहास पहली बार हुआ है। वो इस समय देख रहे हो आप? शानदार, ऐतिहासिक। हमने जीवन में पहली बार देखा, आपने भी पहली बार? पहली बार सर। तो मैं देख पा रहा हर रायपुर की दीवार पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, अयोध्या में राम राम, हर इस रायपुर मारवाड़ में ये विशेषता हमने देखी। हाँ सेठ साहब, नाम जानना चाहूंगा। अशोक तातेड़ साहब। अशोक, हाँ नीचे बैठे तो ठीक रहेगा। अशोक जी तातेड़, आपका नाम, एक अनिल जी तातेड़ हुआ करते थे शायद। बड़े भाई है, बड़े भाई है मेरे, शायद मेरे साथ वो पढ़े ले। अच्छा अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है। जानना चाहूंगा क्या लग रहा है इस रायपुर मारवाड़ को दुल्हन की तरह सजाया गया, आकर्षक रोशनी की गई है। ये मोदी जी ने जो काम किया है, बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। पूरा भारत में और पूरे विश्व में हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, सभी के मन में बहुत उत्साह है, और पूरा भारत राममय बना हुआ है। भाई साहब नाम जानना चाहूंगा। चेतन। चेतन जी आपका नाम है, कहाँ के हो? रायपुर का। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, शानदार। अरे जोरदार। आपका नाम जानना चाहूंगा। श्याम। श्याम। श्याम जी आपका नाम है, पहली बार सही था आपने रोशनी देखी। हाँ देखो ये उत्साह है, ये उत्साह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उत्साह है इस रायपुर मारवाड़ के लोगों में, बहुत सारे उत्साहित है लोग जो भगवान श्री राम के नारों के साथ जय घोष करे। हाँ क्या लगा आपने देखा बाजार की रोशनी? आपको कैसा लगा ये बताओ। मैं तो भात बात में सब जगह देखता हूँ, लेकिन रायपुर को पहली बार देखा। आपका कैसा अनुभव रहा पूरे रायपुर के माहौल को देख? बहुत अच्छा लगा मुझे, लोगों से बातचीत करने का बहुत आनंद आया, और भाईचारा बहुत है इस रायपुर की सरजमी पे। भाईचारे की वजह से रायपुर में ये रोशनी है, बाकी आप क्या मानते हैं? बिना भाईचारे के रोशनी होती है? और ये होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल, भाईचारे के बिना कुछ नहीं है। राम राज्य है, राम राज्य आया, राम राज्य पहले भी था, अब भी है, आने वाले हजारों साल तक रहेगा। और राम राज्य का मतलब राम का नहीं है, जो शासन एक अच्छा हो, लोगों के हित में हो, अपने पक्ष में न हो, लोगों के हित में सारा काम हो, वो राम राज्य है बस। और इसमें मोदी जी हो, कोई भी हो, काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और हमारे देश को आनंदित कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बहुत अच्छी आपने परिक्रमा बताई इस राम राज्य की, अलबत्ता बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है क्या होता है राम राज्य। बिल्कुल, राम राज्य है सुशासन, अच्छा शासन, लोगों के हित वाला शासन, खुद की खुद के मजे नहीं हो, जैसे कांग्रेस ने लिए, हम नहीं लेते, भाजपा नहीं लेती है, या राम राज्य में नरेंद्र मोदी जी नहीं लेते हैं, बस ये हमारी बात है आपके सामने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहरहाल, हाँ भाई साहब नाम जानना चाहूंगा। महिपाल सिंह नाम मेरा। महिपाल सिंह जी आपका नाम है, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपसे भी बात करनी जरूरी है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में इतनी मतलब खुशी, डबल त्यौहार से भी डबल ज्यादा खुशी हो रही है, और हम तो ज्यादा प्रेम भाव बढ़ा रहे सब कुछ, और इतने जीवन में हमने कभी देखा नहीं रोशनी वगैरह सब कुछ, और प्रेम भाव सब कुछ बढ़िया। ये ऐतिहासिक क्षण हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल, जब तक हमारे मतलब आने वाले भविष्य में और आने वाले संतान भी देखेंगे, वीडियो वगैरह सब कुछ देखेंगे और सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कभी भी हमने त्यौहारों पर नहीं देखा जब तक राम नगर में हमने देखा है।
तो बहरहाल मैं इस समय रायपुर मारवाड़ में मौजूद हूँ, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेते हैं आपसे इजाजत और